जादुई नारियल पेड़। लखनपुर गांव में श्यामू नाम का एक नारियल पानी बेचने वाला रहता था। श्यामू रोजाना पूजा करने के बाद अपने माता पिता को प्रणाम करता। श्यामू के पड़ोस में ही हरिया नाम का एक आइसक्रीम बेचने वाला रहता था। वह श्यामू के नारियल पानी बेचने पर हंसता। श्यामू काम पर निकलने से पहले अपने माता पिता से आशीर्वाद लेता है। जाओ बेटा, ईश्वर तुम्हें खुश रखे। हरिया और श्यामू अपना अपना ठेला लेकर काम पर निकलते हैं। एक दिन एक बूढ़ा भिखारी हरिया के पास आता है। बेटा कुछ खाने को दे दो। भागो यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। हरिया देखता है कि श्यामू के ठेले पर हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है। फिर श्यामू अपना ठेला लेकर नई सड़क की ओर चल देता है। आइए भाई साहब, ताजा नारियल पानी पीजिए। हमें दो नारियल पानी दे दो। ये लीजिए। थैंक यू भैया। फिर और भी लोग श्यामू के पास नारियल पानी पीने आते हैं और श्यामू उन सबको नारियल पानी पिलाता है। नई सड़क पर श्यामू की अच्छी बिक्री होती है। बचे हुए नारियलों को लेकर श्यामू पड़ोस के गांव में पहुंचता है, जहां उसके सभी नारियल बिक जाते हैं। उसके बाद श्यामू एक पेड़ के नीचे खाना खाने के लिए बैठता है। श्यामू देखता है कि रोड पर एक भिखारी बैठा है। भिखारी लोगों से खाने के लिए कुछ मांग रहा है। श्यामू भिखारी के पास जाता है और अपना खाना भिखारी को दे आता है। श्यामू की दयाशीलता देखकर भिखारी आश्चर्यचकित रह जाता है। जब श्यामू अपने घर की तरफ बढ़ रहा होता है, तो रास्ते में सिद्ध बाबा उसकी परीक्षा लेते हैं। आज मैं श्यामू की परीक्षा लूंगा। मैं उससे पानी मांगूंगा, देखता हूं कि वो पानी देता है या नहीं। सिद्ध बाबा एक भिखारी का रूप धारण करके श्यामू के पास जाते हैं और पीने के लिए पानी मांगते हैं। श्यामू बेहिचक अपना पानी भिखारी को दे देता है। और पी लीजिए। श्यामू भिखारी को पानी पिलाकर अपने घर की ओर बढ़ता है। रास्ते में वो देखता है कि एक बूढ़ा आदमी फुटपाथ पर लेटा है और ठंड से कपकपा रहा है। श्यामू सोचता है, क्यों ना मैं अपना गमछा उस बूढ़े आदमी को दे दूं। श्यामू ठंड से ठिठुर रहे बूढ़े आदमी को अपना गमछा उड़ा देता है। अब ठीक है। शाम को श्यामू अपने घर पहुंचता है और अपनी पत्नी को सब्जियां लाकर देता है। फिर वह अपने मम्मी पापा के पास बैठकर उन्हें दिन भर का हाल सुनाता है। अरे माँ, आज तो सारे नारियल बिक गए। श्यामू का खुशहाल परिवार देखकर हरिया को बहुत जलन होती है। ये श्यामू नारियल पानी बेचता है, फिर भी इसकी अच्छी कमाई हो जाती है। इसका जरूर कुछ करना पड़ेगा। आज रात में इसके नारियल और ठेला चुरा लूंगा, फिर देखता हूँ इसका परिवार कैसे खुश रह पाएगा। रात में हरिया चोरी छुपे श्यामू के घर जाता है। वह सभी नारियलों को ठेले पर रखता है और ठेले को चुरा कर अपने घर में ले जाता है। सुबह जब श्यामू घर के बाहर आता है, तो देखता है कि ठेला और नारियल दोनों गायब हैं। ये देखकर श्यामू बहुत दुखी होता है और सोचता है, अरे अब मैं अपना परिवार कैसे चलाऊंगा। नारियल पानी ही तो मेरी रोजी रोटी का एकमात्र साधन था। श्यामू की पत्नी उससे पूछती है, आप इतने दुखी क्यों हैं? नारियल और ठेला दोनों चोरी हो गए, मुझे समझ नहीं आ रहा अब मैं क्या करूं। श्यामू मदद मांगने सिद्ध बाबा के पास जाता है। ये सब देखकर हरिया हंसता है। लेकिन जब हरिया की नजर अपने आइसक्रीम ठेले पर पड़ती है, तो वह चौंक जाता है। हरिया का आइसक्रीम ठेला एक छोटा सा खिलौना बन जाता है। अरे ये क्या हो गया।
श्यामू सिद्ध बाबा के पास पहुंचता है। प्रणाम बाबा। खुश रहो श्यामू, तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? अरे बाबा, मेरे नारियल और ठेला दोनों चोरी हो गए। दोनों घर के बाहर ही रखे थे। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे अपने परिवार का पेट पालूंगा। तुम घर जाओ, ईश्वर जरूर कोई ना कोई रास्ता दिखाएगा। श्यामू जब अपने घर की तरफ लौट रहा होता है तो सिद्ध बाबा एक नारियल के पौधे बेचने वाले का रूप धारण करके सड़क पर बैठ जाते हैं। आइए भाई साहब, आइए, नारियल के पौधे खरीदिए। ये पौधा एक ही रात में बड़ा हो जाता है। श्यामू कुछ सोचता है और फिर कहता है, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं, तुम एक पौधा फ्री में ले जा सकते हो। मैंने देखा है कि तुम एक अच्छे आदमी हो। श्यामू पौधे वाले से नारियल का एक पौधा ले लेता है और उसे अपने घर ले जाता है। फिर सिद्ध बाबा वहां से गायब हो जाते हैं। अरे ये नारियल का पौधा तो बहुत सुंदर है। सुबह जब श्यामू अपने घर के बाहर आता है तो देखता है कि नारियल का पौधा बड़ा हो चुका है और उस पर ढेर सारे नारियल लगे हैं। ये देखकर श्यामू बहुत खुश होता है। अरे देखो जरा, अरे ये पेड़ तो एक रात में ही बड़ा हो गया। श्यामू और उसकी पत्नी दोनों पेड़ के सामने हाथ जोड़ते हैं। श्यामू पेड़ से नारियल तोड़ लेता है। पेड़ पर तुरंत ही और नारियल आ जाते हैं। श्यामू फिर से नई सड़क पर एक टेबल पर अपने नारियल रखकर नारियल पानी बेचने लगता है। उसकी कमाई फिर से शुरू हो जाती है। श्यामू के पास ग्राहकों की भीड़ लगने लगती है। श्यामू सोचता है, क्यों ना मैं सिद्ध बाबा और उस पौधे वाले को धन्यवाद देकर आऊं। शाम को श्यामू सिद्ध बाबा को ढूंढने जाता है। वह देखता है कि सिद्ध बाबा वहां से गायब हैं। फिर वह उस पौधे वाले को ढूंढने जाता है, लेकिन पौधे वाला भी गायब होता है। श्यामू सब्जी लेकर अपने घर लौट जाता है। कुछ दिनों में श्यामू अमीर हो जाता है। वह बड़ा घर बनवा लेता है और एक कार भी खरीद लेता है। श्यामू एक वृद्धाश्रम बनवाता है जहां वो और उसकी पत्नी गरीब लोगों को कंबल और खाना बांटते हैं। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जादुई फूल। किसी दूर एक गांव में कृष्णा नाम का एक व्यापारी रहता था। वह अपने खेत में पौधे उगाकर उन पौधों को बेचकर व्यापार करता था। हर दिन सुबह और शाम वह पौधों को पानी डालकर अच्छी तरह उनका परवाह करता था। अच्छे अच्छे पौधों को बेचता था, उन्हीं पैसों से ही अपना घर चलाता था। एक दिन पौधों को पानी डालते समय कृष्णा को एक पौधा कुछ अजीब दिखाई पड़ी। उसने काफी देर तक उस पौधे को देखा। उसको लगा कि इस पौधे में कुछ खास है जो बाकी के पौधों में नहीं है। कृष्णा ने उस पौधे को बाकी से अलग करके उसका ज्यादा देखभाल करने लगा। एक दिन उस पौधे से एक फूल खिली। कृष्णा को बहुत आश्चर्य हुआ, उसको विश्वास ही नहीं हुआ। अपने आंखों को पोंछकर फिर एक बार उस फूल को देखा, वह तो असली सोने का फूल है। कृष्णा बहुत खुश हुआ। वह हर दिन उस पौधे से सोने के फूल को लेकर अपने आर्थिक स्थिति को बढ़ाता गया, धनवान होता गया। अब तो घमंड भी हो गया। अब केवल उस खास पौधे पर ही ज्यादा ध्यान देने लगा। बाकी के सारे पौधों को ठीक तरह पानी भी नहीं डालता। इस कारण सारे पौधों का हालत बिगड़ गया, एक के बाद एक मर गए। लेकिन फिर भी कृष्णा का ध्यान उस तरफ नहीं गया। सोचा कि मेरे पास तो सोने के फूल देने वाली जादुई पौधा है, यह बस काफी है मेरे लिए। अब तो उन सारे पौधों को देखने की जरूरत भी नहीं है। कृष्णा उस खास पौधे को पानी डालने गया।
उस पौधे को देखते ही कृष्णा की बहुत बुरी हालत हो गई। वह सर पकड़कर रोने लगा क्योंकि वह पौधा भी मर चुका था। कृष्णा को अपनी गलती पर एहसास हुआ। सीख: जीवन में धनवान और सफल बनने के बाद भी हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम किस स्थाई से वहां तक पहुंचे हैं। अगर भूल गए तो आगे इसका बुरा परिणाम भी झेलना पड़ता है।